अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा दिल से सलाम। मैं आज आपके लिए बहुत ही देसी नुस्खा लेकर आई हूँ। ये कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर के बाहर से लेकर पैर के नाखून तक जो भी दर्द है, इंशाल्लाह इससे आपको राहत मिलेगी। ये हमारे बुजुर्ग लोग बनाते थे, जैसे कि दादी नानी। अभी भी कई लोगों के घर में ये नुस्खा बनाया जाता है। ये देसी और घरेलू नुस्खा है, ये बहुत ही बेनिफिशियल नुस्खा है। आप एक बार इसे ट्राई जरूर करना। तो देखिए, ये मैंने खसखस ली हूँ, ये मैंने 100 ग्राम खसखस ली हूँ। ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर किसी को रात में नींद नहीं आती है तो एक गिलास दूध में आप एक चम्मच डालकर 15 मिनट के लिए दूध ढककर रख दीजिए और इसे इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी नींद आएंगी। ये मैंने मेथी पाउडर ली हूँ। मेथी भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये तिल, ये देखिए तिल। कैल्शियम की कमी कोई भी उम्र में हो सकती है, बच्चा हो या बूढ़ा हो या उम्र वाला हो। तिल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होती है, इसमें मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर होता है। ये मैंने 100 ग्राम अलसी ली हूँ। ये हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे बच्चों के भी दिमाग तेज होता है, बड़ा कोई भी खाए से दिमाग से जिस्म में कोई भी सूजन हो इससे बहुत राहत होगी। ये सिंगाड़े का पाउडर ली हूँ। सिंगाड़े के पाउडर में कैल्शियम बहुत होता है, इसके इस्तेमाल से भी आपको बहुत ही फायदा होगा। इंशाल्लाह आप एक बार यूज करना। ये मैंने बादाम ली हूँ। बादाम मैंने 1.5 किलो ली हूँ। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होती है। इसमें कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी कई बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है। ये आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। काजू, मैंने काजू ली हूँ 1.5 किलो। इसमें भी विटामिन, प्रोटीन बहुत मात्रा में होती है, ये भी हमारे लिए फायदेमंद। ये मैंने 100 ग्राम पिस्ता ली हूँ। पिस्ता हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, वजन घटाने के लिए भी फायदेमंद है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। अखरोट में बहुत किस्म के विटामिन, प्रोटीन होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये मैंने मखाने ली हूँ। मखाने मैंने 1.5 किलो ली हूँ। इसमें बहुत ही मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन होता है। ये हमारे जिस्म में जो भी दर्द हो, हड्डियों में, नसों में, इसके लिए बहुत राहत और फायदेमंद है। ये मैंने मगज ली हूँ। 4 मगज नहीं है तो आप ये मगज ले सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद है। इसे हम ये देसी नुस्खे में ही इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने गोंद ली हूँ। गोंद से कमर में जो तकलीफ है या गैप हो गया उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है गोंद। हम सबसे पहले हमारे सब नट्स को देसी घी में फ्राई करेंगे। मैंने गैस पे पैन रख दिया है। अभी मैं सबसे पहले घी में भूनने से पहले मैं जो सूखे नट्स हैं वो करूंगी। तो ये मैंने सिंगाड़े का पाउडर ली हूँ। इसे मैं ड्राई रोस्ट ऐसी कर लूंगी, बस हल्का हल्का 2-3 सेकंड के लिए। ये देखिए, सिंगाड़े का पाउडर मैंने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल दूंगी। अभी जो मैंने खसखस ली इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे 2-3 सेकंड तक हमें बस ड्राई रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। खसखस भी ड्राई रोस्ट कर दी हूँ। जिसमें मैंने सिंगाड़े का पाउडर निकाली इसी में मैं खसखस निकालूंगी। वो भी इसे भी ड्राई रोस्ट करूंगी 2-3 सेकंड के लिए। और अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसे भी मैं बाउल में निकाल दूंगी। अब इसमें मैं अलसी डालूंगी, इसे भी 3-4 सेकंड तक भूनूंगी। अलसी भी हमारे रोस्ट हो चुके, इसे भी हम बाउल में निकाल देंगे। ये मेथी पाउडर दी, उसे हम सिर्फ 1 मिनट तक ही ड्राई रोस्ट करेंगे। आपको जितना लेना है आप उतना ले सकते हैं, मैं कम ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। बस 1 मिनट मेरा हो चुका है, अब मैं इसे बाउल में निकाल दूंगी। सब ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, अब हम फ्राई करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच देसी घी डाली हूँ। हमारा गर्म हो चुका है, अभी बादाम इसमें मैं ऐड करूँगी और इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। इसे 5 मिनट तक हमें फ्राई करना है। जो ड्राई रोस्ट करके रखी थी इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे और ये जो हम फ्राई कर रहे हैं घी में इसको हम एक अलग बाउल में निकालेंगे। ये हमारे बादाम फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। हमें बादाम गलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सुनहरा करना है। हम अपने काजू को फ्राई करेंगे। काजू को यही घी में मैं फ्राई करूंगी, घी डालूंगी नहीं। आपको देसी घी में ही भुना है, डालडा घी में आप इसे बनाना नहीं है। डालडे घी में बनाएंगे तो ये जम जाएगा। इसे हल्का सा हमें बस 5-7 मिनट तक ही अभी भुनेंगे इसे और इसे एक बाउल में हम निकाल देंगे। देखिए काजू हमारे भून रहे, लाल हो रहे, कई कई
काजू हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें बाउल में इसे निकाल देंगे। मैं पैन में एक चम्मच देसी घी और डालूंगी और ये जो हमारे मगज थे वो सारे इसी में डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से भूनूंगी। इसे हल्का ब्राउन करना है हमें। मगज भी हमारा फ्राई हो चुका है, इसे भी हम एक बाउल में निकाल देंगे। एक चम्मच देसी घी हम फिर से डालेंगे और जो हमारे पिस्ते थे वो इसमें डालेंगे, इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। पिस्ता भी हमारे हो चुके हैं, इसे भी हम वही बाउल में निकाल देंगे। हमारा जो घी है उसी में हम अपने अखरोट फ्राई करेंगे। अखरोट को भी हल्का हल्का ब्राउन करना है, ज्यादा लाल नहीं। अखरोट भी हमारे अच्छे से हो चुके हैं, इसे भी हम बाउल में निकालेंगे। मैं दो चम्मच घी डाल दी हूँ, अब हम बोन करेंगे। तो बोन हम आधा आधा करके फ्राई करेंगे क्योंकि ये फूलेंगे, देखिए इस तरह से। बोन कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद। ये देखिए बोन हमारे अच्छे से हो गए, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इस तरह से हमारे सारे बोन हमने फ्राई कर लिए हैं। ये मैं भी एक चम्मच के इतना घी डालूंगी और इसमें अब हम मखाने डालेंगे और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए, इसे मैं गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे भी हम निकाल देंगे। सब ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो चुके हैं और ये हमने जो अब ये फ्राई किए थे सूखे वाले, इसे हम अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे। उसके बाद हमने जो घी में फ्राई किए थे इसको अलग पीस कर अच्छे से दोनों को मिक्स करके एक पाउडर बना लेंगे। हमें शक्कर और गुड़ नहीं मिलाना है क्योंकि हमारे मेवे मीठे होते हैं। हम बादाम भी खाए तो हमें मीठे लगते हैं और पिस्ता भी खाए तो मीठे लगते हैं, इसलिए हमें मीठी कोई चीज़ मिलानी नहीं है इसमें। ये देखिए हमने तिल खसखस का फाइन पाउडर बना लिए। मिक्सर में पीसते हुए ये बात का ध्यान रखना है कि हमें रुक रुक को मिक्सर चलाना है, नहीं तो हमारे मिक्सर में गाटे पड़ जाएंगे। ये देखिए कितना सूखा पाउडर बना है, इसे सूखा पाउडर बनाना है। इस तरह से एक गोल बर्तन या आपको थाला लेना है, इसे एकदम सोख लेना है, एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए। फिर सूखे पाउडर हमें इसमें निकालना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब हमने जो ड्राई फ्रूट करे थे वो पीसेंगे। ये देखिए मैंने गोंद भी पीस ली हूँ, गोंद भी हमें इसी में मिला देंगे। गोंद गीली थी, घी में पीसे हमने, इसीलिए इसे ये ऐसा लग रहा है, घी में फ्राई किया हुआ ही है इसलिए इसे गीला गीला लग रहा है। अब इसके बाद हम मखाने पीसेंगे। ये देखिए मखाना भी मैंने पीस ली, ये भी एक फाइन पाउडर में आ चुका है। इस तरह से थोड़ा मखाना और बचा हुआ है, वह भी हम पीस लेंगे। ये देखिए मैंने अखरोट का भी फाइन पाउडर बना ली हूँ, वो भी इसी में हम ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें काजू बादाम पिस्ता सब एक साथ पीस ली हूँ। अभी थोड़ा मसाला भी हमारा और है, वो भी हम साथ में पीस लेंगे। ये देखिए सब हमने ड्राई फ्रूट इसमें पिसकर डाल दिए। ये मैंने केसर ली हूँ, आप चाहे तो इसे ऑप्शनल लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं। ज़रा सा केसर इसमें, केसर के कुछ धागे इसमें डालकर इसे अच्छे तरह से ऊपर नीचे कर लेना है। जब दूध में हम डालेंगे तो सब एक साथ मिक्स हो जाएगा और इसे अच्छी तरह ऊपर नीचे करना है। मैंने सब ड्राई फ्रूट मिक्स कर दी हूँ, आप देख सकते हैं ये मेवा हमने जितना पीसे कितना सूखा है। इसे आफ्टर डिलीवरी के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, हमें इसमें छुहारे और गुड़ का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं और हमें एयर टाइट कंटेनर में इसे बस भर कर रख देना है। सर्दी और बरसातों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि बरसात में और ठंडियों में हाथों में और नसों में और जिस्म के हर हिस्से में दर्द होता है, ये सब फ़ायदेमंद है उसी के लिए। हमने जितने भी इसमें मेवे डाले वो सब फ़ायदेमंद है, जिसकी हड्डियों में दर्द होता है, जिस हमें सूजन होती है, बैक पेन की तकलीफ होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे हज़ारों पैसे चले जाते हैं और हमें कोई ना कोई उससे साइड इफ़ेक्ट होता है, तो ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
और अगर रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।